18 GB तो जी यहाँ पे हमने स्कूटी भी हायर की है 70,000 में। अभी हमें किसी जगह सिम ही नहीं मिल रही, तो सिम ढूंढ रहे हैं किसी जगह सिम मिल जाए। ये देखो जी इंडोनेशिया की बारिश इतनी तेज हो रही है ना कुछ सुनाई दे रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडोनेशिया आया हूँ और ये इंडोनेशिया एयरपोर्ट से ही मैं दूसरा व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। साकिब भाई अभी यहाँ से क्या प्लान है आगे का? अभी पहले कुछ खाते हैं भूख लगी है बहुत। अच्छा जो आपने करेंसी ली थी वो दिखाओ एक बार पहले तो। हाँ आप खुद से ही दिखाओ। तो जी $32 का हमें इतना सारा कैश मिला है, ये देखो जी गिनो जरा। ये 1 लाख के नोट है, 1 लाख का नोट है। तो कितने? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 50,000, 4,70,000। पर अगेन आई विल टेल यू अगेन कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे अमीर है, वैल्यू फिर भी सेम रहता है। नहीं भाई हम अमीर है, मैं नहीं मानूंगा अमीर है हमारे। 1 लाख का हमें सिम लेना पड़ेगा अभी बाहर जाके। तो जी अभी नेटवर्क तो हमारे पास है नहीं कुछ, तो अभी सिम लेते हैं। और इंटरनेट तो आपको वीडियोस भी देखने होंगे, अपलोड भी करना होगा, वाईफाई तो मिलेगा लेकिन फिर भी मोबाइल इंटरनेट होना चाहिए। तो अभी देखते हैं सिम लेते हैं वगैरह और फिर कुछ खाने जाते हैं और फिर जाते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ मिल रहा है कुछ 400K का 25 GB मिल रहा है, 30 GB मिल रहा है जी, 38 GB 450K, 55 GB मिल रहा है 550K रुपीस, 5.5 लाख, साढ़े 5 लाख रुपए का सिम मिल रहा है। बेटर कि हम बाहर से ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं, हमेशा महंगा ही रहता है। एग्जैक्टली तो यहाँ से नहीं जाना है, एग्जिट करना है। नहीं एग्जिट वहाँ से होगा, ये बैगेज है। ड्राइवर क्या मांग रहा था? ड्राइवर मांग रहा है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया कहाँ तक? हॉस्टल तक। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। 1.5 लाख, 530 रुपीज़। हम बैंगलोर में ट्रेवल करेंगे तो इतना ही लगेगा। तो जी अभी हमने ग्रैब लेने का फैसला किया, यहाँ भी यहाँ की कैब सर्विस है तो अभी जाएंगे इसी में। साकिब भाई बहुत थक गया ना? बहुत ज़्यादा थक गए। अभी बस का प्लान जो है वो कैंसिल, अभी ग्रैब में जाते हैं। सेम उतना ही पैसा देना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया डेस्टिनेशन तक। रेडी? ये है जी हमारी कैब, इसमें हम जा रहे हैं। थैंक यू। ये क्या था? VIP ये तो सी भी है था। VIP इट्स ट्विन ट्विन अलाउड है। सो रही या हॉस्टल कुत्ता या हाउ फार इट इज? हाउ फार इज? 20 मिनट। 20 मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स? हां यस। ओके फाइन, दैट्स नाइस। व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर नेम? या माय नेम वावन। वावन? वावन, वावन। तो जी इंडोनेशिया की गलियों में आपका स्वागत है। ओहो यहाँ लेकिन बहुत धूप है। साकिब तहफ़ुज़ कोदश। थैंक यू थैंक यू। ये है जी हमारा हॉस्टल, द हॉस्टल ही पता नहीं क्या इंडोनेशियन में इसकी प्रोनाउंसिएशन। 15 मिनट्स। ओके थैंक यू टेक केयर। वालेकुम सलाम, टेक केयर। तो जी ये है हमारा हॉस्टल जहां हम रुकने वाले हैं। अब पता नहीं, वे पहले रिसेप्शन पे जाते हैं। ये है जी हमारा हॉस्टल, 2 बेडरूम हॉस्टल है, मतलब है तो रूम ही लेकिन इसको यहाँ पे हॉस्टल बोलते हैं। ये एक बेड साकिब भाई का, एक बेड मेरा और एसी भी है इसमें, तो सारा जो है सिस्टम है। चलो जी साकिब भाई अब हम जाते हैं जी सिम निकालने के लिए। आ जाओ। तो जी यहाँ पे हमने स्कूटी भी हायर की है 70,000 में, 70,000 इंडोनेशियन रुपया। चलो जी आप राइड करोगे? आप चलाओ, मेरे साथ लाइसेंस नहीं है ना जी। आपके पास लाइसेंस है? साथ नहीं है। चलो मैप लगाओ फिर वो।
मॉल का। स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, कितने का पेट्रोल आया इसमें? 29,000 का 2 लीटर पेट्रोल आया। तो बारिश इतनी ज्यादा शुरू हो गई ना, और रास्ते पे इतना ज्यादा पानी जमा हो गया है, अब डर लग रहा है बाहर जाने से। अभी हमें किसी जगह सिम ही नहीं मिल रही, तो सिम ढूंढ रहे हैं किसी जगह सिम मिल जाए। ये देखो जी, इंडोनेशिया की बारिश इतनी तेज हो रही है ना, ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज बारिश। ताकि भाई वहां से यहां नहीं आ रहे, आ जाओ। बारिश देखो आप कितनी तेज, तालका से गिरा तालका। तो जी अभी इंडोनेशिया में हमारा फर्स्ट मील होने वाला है, और फर्स्ट मील हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। ये है चिकन, और इसमें है एग, थोड़ा सा सैलेड है, और थोड़ा सा राइस है। कैसा है जी? परफेक्ट। अब पेट उतर जाएगा मेरा? नहीं। बारिश थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन बारिश अभी बहुत जबरदस्त हो रही है। आसमान थोड़ा सा जो है क्लियर हो चुका है। खाना हो गया, अभी आए हैं जी। एक तो मनी एक्सचेंज के लिए, जो यहाँ के इंडोनेशियन रुपये हमें और जो है एक्सचेंज करानी, और सिम कार्ड के लिए। So we are again poor now. Again. Then you passport? You have passport? Yes. ये देखो जी, $200 का कितना कैश आया, 3 मिलियन, मतलब 30 लाख रुपीस, इंडोनेशियन रुपीस, सॉरी। अभी हम आए हैं कूटा बीच। ये देखो यहाँ से एंट्री है उसकी, साकी भाई रेडी है, लेकिन अभी रात है तो समंदर में जा नहीं सकते, तो अभी चलते हैं देखते कैसा क्या नज़ारा है। अगर दिन होता फिर तो चले जाते पानी में, है ना? हम लेट आए थोड़ा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, इसका अलग ही मजा है अपना। चल अलग मजा आएगा, क्योंकि अभी भी टायर्ड। आज हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, आज अभी तक रेस्ट भी नहीं किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही निकल पड़े। अभी जी यहाँ पास में ही बीच के पास में हम आए हैं फूड ट्राई करने के लिए, डिनर भी करना है साथ में, फूड भी ट्राई हो जाएगा। साकी भाई भी लगे हुए हैं वीडियोस कैप्चर करने में। हमारा डिनर आ चुका है, ग्रीन सैलेड, अफगानी चिकन, तंदूरी चिकन, और पंजाबी राजमा, और नान। शुरू हो जाओ भाई, स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर करके वापस आ गए हैं, अभी जो है एडिटिंग चल रही है, एडिटिंग खत्म होने को है। पहले मैं बाहर आपको इस हॉस्टल का थोड़ा बहुत टूर दे देता हूँ कि ये हॉस्टल कैसा है। अभी बाहर जो है सारे लोग मिलके गाना गा रहे हैं, तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कैसा माहौल बना हुआ है बाहर, लेकिन मैं एडिटिंग में लगा हुआ तो मुझे ये ज्यादा जरूरी है एडिटिंग खत्म करना, क्योंकि कल आपकी वीडियो फिर देखनी भी होती है, तो इसलिए रात को ही ये काम जो है निपटाना पड़ता है। यहाँ से इसका स्विमिंग पूल है, और यहाँ से जो है इसके और रूम्स हैं, हॉस्टल रूम्स टाइप, जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए होते हैं ऐसे। बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करने का टाइम आ गया। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज। कल हम और एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे के वीडियोस जो है वो भी टाइम पे मिल सके।